एनएस के जापान की डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल एंटरप्राइजेस वालों के पास, और आज जो डेमोन्स्ट्रेशन देने लगा हूँ वो है हाई स्पीड न्यूरो ड्रिल, एंड ये स्पाइन के केसेस के लिए भी यूज़ होता है और जो क्रेनियोटोम है उसके केसेस के लिए भी यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनएसके का कंसोल है, जो पावर कंसोल है और टच पैनल के साथ ये आता है, जो कि 80,000 RPM तक और मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ ये अवेलेबल है इसके अंदर। और दैट इज़ द फुट पैडल। इसके अंदर अगर आप देख सकें तो इसके अंदर 3 बटन्स हैं जो कि मुख्तलिफ उसके फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है, जो कि इरिगेशन, मोटर ऑन एंड ऑफ और मोटर चेंज भी ये करता है। अगर हम इसकी बात करें तो डैट इज़ अ हाई स्पीड ड्रिल जो कि 80,000 RPM के ऊपर जाके ये काम करता है। सेकेंडली, ये एक अटैचमेंट है डैट इज़ कॉल्ड CRA जो कि क्रैनियोटोम के केसेस के लिए इस्तेमाल होता है। डैट इज़ हाई ड्रिल मोटर, हाई ड्रिल स्पीड मोटर जो कि 80,000 RPM तक ये मूव करता है, अगर आप इसको देख सकें तो P200 SMH इसका कोड है। इसके आगे मुख्तलिफ अटैचमेंट्स हम लोग अटैच करते हैं जिसकी डिटेल में आगे आके आपको बताता हूँ। ये मोटर की एक अटैचमेंट है और ये कहलाती है CRA। बेसिकली ये जब एक डॉक्टर क्रैनियोटोम की सर्जरी को परफॉर्म कर रहा होता है तो ये हम मोटर के ऊपर इसको अटैच कर देते हैं, और इसके आगे एक ड्यूरा गार्ड हम अटैच करते हैं जो कि ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, वो भी मैं आपको आगे और भी बता दूँ। ये जो अभी पिछली मैंने आपको अटैचमेंट दिखाई थी, ये दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरा गार्ड। ये उसके ऊपर जब आप कटर उसको लगा देते हैं, उसके ऊपर फिट कर देते हैं, तो आप ड्यूरा गार्ड उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि ब्रेन को ये डैमेज ना कर सके और डॉक्टर जो है, सर्जन जो है, वो इजीली अपने सर्जरी को परफॉर्म कर सके। बेसिकली ये है परफोरेटर, परफोरेटर हैंडपीस। ये भी मोटर के ऊपर अटैच होती है। ये बेसिकली बर होल्स करने के लिए डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं ताकि एक अप्रोच बनाई जा सके ब्रेन तक पहुंचने के लिए, या मुख्तलिफ प्रोसीजर के अंदर शंटिंग के लिए या ट्यूमर के जो केसेस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बर होल किया जाता है, और उसके लिए ये अटैचमेंट इस्तेमाल की जाती है जो कि मोटर के आगे के साथ अटैच हो जाती है। डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एंगल अटैचमेंट, और एनएसके की बेसिकली ये इस्तेमाल होती है सर्वाइकल केसेस के लिए या स्पाइन के केसेस के लिए जहाँ पे आपको डीप पेनिट्रेट करना पड़ता है, तो ये एनएसके जो है अपने सर्जन को फैसिलिटेट कर रहा है एंगल हैंड पीस के थ्रू। और ये अटैचमेंट बेसिकली एक ड्रिल बिट अटैचमेंट है जो कि होल्स करने के लिए, जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट अगर ट्रॉमा के साथ आता है और स्कल के अंदर फ्रैक्चर होता है, तो प्लेटिंग लगाने के लिए, प्लेट उसको फिक्स करने के लिए, सर्वाइकल प्लेट, तो ये बेसिकली उसके होल्स के लिए ये काम आती है और वो होल्स के थ्रू प्लेट को फिक्स कर देता है। और बकाया जो है, जो रिकमेंडेड है, तो हम लोग इसकी बेसिकली जब डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर देता है तो डेफिनेटली उसकी क्लीनिंग और उसकी ऑयलिंग भी ज़रूरी होती है ताकि अटैचमेंट्स की लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड है डैट इज़ NSK स्प्रे। और इन तमाम चीज़ों को रखने के लिए NSK ऑफ़र कर रहा है ये मेटल केस, जिसके अंदर एक जो पड़ा हुआ है सिलिकॉन मैट भी पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर ये इसको कवर करने के लिए डैट इज़ द कवर, ताकि जब आप स्टलाइजेशन के लिए इसको भेजें तो ये एक प्रॉपर तरीके से इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हों और इसको स्टलाइज किया जाए ताकि चीज़ें इससे आगे पीछे ना हो। तो ये जो स्टरलाइजेशन आप करते हो, इसको 134 डिग्री सेंटीग्रेड 134 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सर 5 to 6 मैक्स 7 मिनट के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। राइट राइट, फास्ट साइकिल में। जी बिल्कुल सर,
ज़्यादा देर साइकिल आप 5 to 6 मिनट की रखें तो इससे ये कि आपकी मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी सर। राइट। और सर ये बेसिकली इरिगेशन के लिए एक स्टैंड है जो कि हम यहाँ पे इसका एक यहाँ पे एक बना हुआ है, नॉब सी बनी हुई है, हम इसको अटैच कर देते हैं और डॉक्टर जो है अपने इरिगेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे उसकी इरिगेशन की बोतल आ जाएगी और साथ उसकी ट्यूबिंग आ जाएगी। दैट इज़ द पावर केबल जो कि आपके इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए इस्तेमाल होगी सर। बेसिकली वी आर ऑल्सो गिविंग टू फ्यूजेस कि अगर खुदा ना खास्ता फ्यूजेस से ख़राब हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्यूजेस पड़े हुए हैं। और सर किसी भी हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, ये इसका मैनुअल है जो इसके साथ आता है सर, कंसोल के साथ आता है सर। डैट्स ऑल अबाउट सर। अच्छा, बायोमेडिकल इंजीनियर साहबान और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये मिस्टर जान जेब हैं, जायद मिस्टर जायद हैं, बिलाल हैं और मिस्टर नवीद हैं और मिस्टर अरसलान हैं जो जिन्होंने इसे एक हमें ब्रीफ किया है। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है तो ये आप लोग कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जहानजेब की तरफ जाऊंगा। जहानजेब, आपने एज पर आपकी बेसिकली प्राइम रिस्पांसिबिलिटी क्या थी? सर मेरी रिस्पांसिबिलिटी है स्टॉक को क्वांटिटी के वाइज और आइटम के और परचेज ऑर्डर और डिमांड के अगेंस्ट को मतलब आइटम को रिसीव करना, वेरीफाई करना, जी वेरीफाई करना क्वांटिटी को, और अगर टेक्निकल कंसर्न्स हैं तो मतलब बायोमेडिकल से उसको रिलेट कर देते हैं हम, तो बाकी एंड बायोमेडिकल ही मतलब उसको देखता है, हम क्वांटिटी वेरीफाई करते हैं। तो डिड यू चेक ऑल थिंग्स इज ओके यू फाइन? यस सर, आई हैव चेक्ड ऑल द आइटम्स, 12 आई थिंक देयर आर 12 आइटम्स इन दिस प्रोसीजर, सो एवरीथिंग इज काउंटेड एंड नाउ वी हैव टू चेक इन यस वेरीफाइड, क्वांटिटी इज वेरीफाइड। यस, अपने जायद, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन में आप जो जो भी है चीज़ें। तो इसका रनिंग टाइम जो है जो प्रोसीजर में यूज़ होता है, रनिंग टाइम मैक्सिमम कितना लगातार कितना चला सकते हैं? सर जो हैंड पीस है वो लगातार तो चलता भी नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी, और हार्डली वैसे जो एक बोन स्लैप उठाया जाता है वो कोई कुछ डॉक्टर्स मतलब ये डिपेंड ऑन द साइज कि कितना उसने डॉक्टर ने बोन स्लैप उठाना है, तो 45 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर आप एक बोन स्लैप उठा लेते हैं सर। तो इसका यूजेज जो है डिपेंड अपॉन द डॉक्टर, कौन सी सर्जरी कर रहा है, स्पाइन की सर्जरी कर रहा है तो उसके अंदर मुख्तलिफ अटैचमेंट यूज़ होगी, उसको टाइमिंग वो डॉक्टर ही उसको वो करेगा डिफाइन कर सकता है। यस, परफोरेटर का भी अगर आप इस देखते हैं तो परफोरेटर भी हार्डली 1 मिनट के अंदर आप बेसिकली यू मीन्स के इट इज़ डिपेंड ऑन सर्जरी के व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी है, और दूसरी जो चीज़ है वो डिपेंड करता है कि सर्जन की एक्सपर्टीज कितनी है। जी बिल्कुल, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो तकरीबन चीज़ें जो चेक की हैं अभी तो हमें इसके साथ जो हमें सर्विस मैनुअल हमें प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि हमें कोई मज़ीद मसला हो कि देखना चाहें उसमें कोई इसकी और चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ आ सकें, वो सर्विस मैनुअल, ये तो ऑपरेशनल मैनुअल है, इसकी अटैचमेंट के बारे में पता करना था कि वो विदाउट बल्ब यूज़ हो सकती हैं कि नहीं। देखें वैसे जो हम जो रिकमेंड करते हैं हम विदाउट बल्ब नहीं करते, आप प्रॉपर तरीके से हैंड पीस के ऊपर ये जो हैंड पीस है इसके ऊपर ये अटैचमेंट को इंस्टॉल करें, आगे इसका बर कटर या कोई भी डिस्पोजिबल है वो इसको अटैच करें प्रॉपरली, इसको लॉक अनलॉक करें और फिर यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि हमें भी कंपनी की तरफ से नहीं कहा जाता कि आप इसको विदाउट बर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका हैंड पीस जो मोटर है वो हीटअप हो जाती है फिर, तो प्रॉपर तरीका यही है कि आप इसको इसके बर्स के साथ इस्तेमाल करें। बिलाल सर, मैंने पूछा था नैरो ड्रिल और एक डेंटल ड्रिल होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
ड्रिल तो देखें ये मैग्जिलो फेशियल के लिए भी इस्तेमाल होती है, बट अटैचमेंट्स डिफरेंट आ जाती हैं. उसके लिए कुछ और अटैचमेंट्स हैं. न्यूरो के लिए ये अटैचमेंट्स इसके अंदर ये वाली अटैचमेंट्स आ जाती हैं, या आप इसके अंदर एक दो की एडिशन करें तो वो न्यूरो पूरा एक कम्प्लीट ड्रिल बन जाती है. मैग्जिलो फेशियल के अंदर वो डिफरेंट सजाइटल सॉ, रेसिप्रोकेटिंग सॉ और दूसरे डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, ब्लेड सॉ वगैरह हैं, वो यहाँ पे आके वो डिफरेंशिएट होगा. आरपीएम का तो कोई नहीं होता कि उसके आरपीएम, जिस तरह आपने ये बताया कि ये 18,000 तक, 80,000 80,000 तक, तो उसके आरपीएम लो होंगे या इससे हाई? आरपीएम डेफिनेटली लो जी, लेकिन ये 80,000 तक जाता है तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं. आप टच, इसका टच पैनल है, आप थ्रू योर फिंगर यू कैन अप एंड डाउन द आरपीएम. 8,000 आरपीएम से 80,000 आरपीएम तक आप अरसलान मिनिमम कितने के आरपीएम है और मैक्सिमम कहाँ पे जाता है? 8,000 आरपीएम मिनिमम है जी, और परफोरेटर के लिए वैसे 1,000 आरपीएम है सर. राइट, क्योंकि परफोरेटर जो है वो डॉक्टर 1,000 आरपीएम यूज़ करता है या मैक्स 1,500 आरपीएम यूज़ करता है, तो ये 1,000 आरपीएम से सर हुआ. तो अरसलान ये जो इससे पहले परमेडो वन आई थी जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, अब ये परमेडो टू है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस क्या आया है? सर बेसिकली परमेडो वन इज़ द ओल्ड जनरेशन, खैर वो अब मॉडल ऑब्सोलीट भी हो चुका है ना, उसकी अटैचमेंट्स आ रही है ना उसके दूसरी चीज़ें आ रही हैं सर. उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस ये है कि सर वो एक सिंपल कंसोल के साथ आता था और डिफरेंट उसके ऊपर बटन्स होते थे, तो सर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, टच पैनल के साथ है, इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली यूज़र है, और इसके साथ ये कि अगर आप इसकी मोटर और परमेडो वन की मोटर देखें तो परमेडो वन की मोटर सर एक हैवी है, सर हैवी है, लिटिल बिट और जी बिल्कुल हैवी भी है और थिक भी है सर. तो वो डेफिनेटली फिर सर्जन जब सर्जरी कर रहा होता है तो उसके हाथ को वो स्ट्रेस करता है सर, तो ये कि डेट इज़ अ स्लिम मोटर सर, और वो 60,000 आरपीएम के ऊपर काम करता था सर, डेट इज 80,000 आरपीएम सर. टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी हायर है सर एज कम्पेयर टू परमेडो वन सर. और इसके अंदर जो अटैचमेंट की रेंज है सर परमेडो टू के साथ वो सर काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू परमेडो वन सर. इसके साथ आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.